जब भोर का समय था, यीशु को कैफा के पास से गवर्नर के किले मिले गए। यहूदी किले के भीतर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वे अपने आप को शुद्ध बनाए रखना चाहते थे ताकि फसह का भोजन खा सकें। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस व्यक्ति पर क्या आरोप लगाते हो? यदि उसने अपराध नहीं किया होता तो हम उसे तेरे पास नहीं लाते। तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण लें। ये इसलिए हुआ कि यीशु की वो बात पूरी हो जो उसने ये संकेत देते हुए कही थी कि उसकी मृत्यु कैसी होगी। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाया। क्या तू यहूदियों का राजा है? क्या यह प्रश्न तेरी ओर से है या किसी दूसरे ने मेरे विषय में तुझसे कहा? तू क्या सोचता है मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है। तूने क्या किया है? मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहां का नहीं है। तो क्या तू राजा है? तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है मेरी सुनता है। और सत्य क्या है? फिर पिलातुस यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें दंड देने योग्य कोई दोष नहीं पाता, पर तुम्हारी ये रीति है कि मैं फसह में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, बरअब्बा को छोड़ दो। बरअब्बा एक डाकू था।